हाँ भैया, विसर मंदिर साइड, उससे पहले आइए और देखिए हम दरवाजे पे हम खड़े हैं, उससे पहले आइए ज़रा दरवाजे पे आ जाइए। तो भाई आज है 12th August और आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज ही मेरा लैपटॉप आ रहा है इन्फोसिस का, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ। हालांकि 3 दिन पहले इसको पहुँच जाना चाहिए था, बट ड्यू टू यहाँ का बैड वेदर की वजह से मेरा जो पार्सल था, मतलब जो लैपटॉप था, वो मेरे से बिल्कुल 10 किलोमीटर पीछे पड़ा था। 3 दिन से ब्लू डार्ट से आ रहा है, तो 2 दिन से मेरी फ़ोन से उनसे बातचीत हो रही थी कि भैया हाँ आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, लेकिन आज फाइनली वेदर थोड़ा अच्छा है। बारिश सुबह में हुई थी बट अभी नहीं हुआ, तो ये है कि आज वो बोले कि आज लैपटॉप लेके आ जाएंगे, तो बस हाँ पहुँच चुके हैं। 15 मिनट का बोला कि 10-15 मिनट लगेगा, तब तक मैं दरवाजे पे आ गया। ये मेरा पुराना वाला घर है, मतलब गाँव वाला घर है, ये दरवाज़ा है हमारा, और मैं आपको इसका भी ब्लॉग बना करके बहुत जल्द दिखाऊँगा जैसे टाइम मिलता है थोड़ा सा। ये मैं ऐसे आपको एक लुक दे देता हूँ कि ये देखिए, ये इसमें मतलब जब गेस्ट आते थे पहले बाबा दादाजी के टाइम में तो ऐसे रहते थे, फिर ये पुराना घर हो गया, वो स्कूल हो गया, इस पर शादी वगैरह कुछ मंडप होता था तो ये होता था। इसके आगे भी जितना भी आप देख रहे सब अपना ही है, इधर उधर जो भी है। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना इन्फोसिस का लैपटॉप आ जाए, फिर मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा। अजिताव आनंद, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यू नो माय नेम इज़ अजिताव आनंद। और हाँ गाइस, आप बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ, भाई रिक्वेस्ट है कि पता नहीं क्यों क्या ग्लिच है, इंस्टाग्राम मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ ना ही आपके मैसेज। लगभग 300-400 रिक्वेस्ट मैसेज पड़े हैं, बट मैं किसी को कमेंट करके अब कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो वाई, क्योंकि वो ग्लिच आ गया है। या तो मैं दूसरा इंस्टाग्राम आईडी शुरू करूँगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए वेट करते हैं, जल्दी से जल्दी वो आ ही जाएंगे। थोड़ा सा पीछे आ जाइए, रुकिए हमारे, हाँ क्वार्टर से पीछे आ जाइए थोड़ा सा, और इधर आइए। तो ये आ गए हैं लेकर के हमारा जो पार्सल है, और आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको बताए थे हम। इन्फोसिस का लैपटॉप आया इसमें, यही भैया हैं जो हमारा जो लैपटॉप है वो लेके आए हैं। बहुत समय लगा दिया, बहुत अलग है। और एक फ़ोन पे फ़ोन आया जा रहा है। ऑलमोस्ट जितने सारे लोग मतलब जो इन्फोसिस में साथ हैं उनको लैपटॉप पहुंच चुका है, बट हाँ कल बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी 2 दिन से, इस वजह से क्या लैपटॉप आ नहीं पाया था, और आज ब्लू डार्ट से हमारा जो लैपटॉप है वो आया। तो आइए इसको रिसीव करते हैं, सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। हाँ तो कौन सा लैपटॉप है, क्या लैपटॉप है, मैं सब बता दूंगा आपको आराम से। अभी पहले रिसीव कर लेते हैं। लीजिए, कहाँ पे? साइन मोबाइल नंबर और आईडी कार्ड। साइन मोबाइल नंबर भी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। पानी वानी पियेंगे कुछ? क्या बोला? पानी पियेंगे? नहीं, थैंक यू। तो ये अपना लैपटॉप आ गया है और अंदर जा रहे हैं, इसको पहले अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद आपको एक एक चीज़ बताएंगे भैया कौन सा मॉडल है। और इन्फोसिस का लैपटॉप है तो भैया इन्फोसिस की प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट मेरे लिए हो जाएगा। जिस दिन भी इन्फोसिस मान लें, अगर छोटे भविष्य में कभी फ्यूचर में 1-2 साल 3 साल 4 साल बाद मुझे ये लैपटॉप रिटर्न करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, तो भैया इसको जो भी इसकी कंडीशन है वो बिल्कुल वैसे रखना पड़ेगा। अदरवाइज तो भैया ऑलमोस्ट 1.25 लाख की लैपटॉप है इसके अंदर, तो वो सब कुछ अपन को ही बियर करना पड़ेगा। ये हमारे अंकल हैं और भैया हैं हमारे, वो TCS में है। और लैपटॉप देखिए, ये बहुत खुश हुए ये भी, और दरवाजे पे अभी मतलब अभी रिसीव ही किया है। अंकल यहीं पे थे, उन्होंने सारी जो इंक्वायरी होती है कहाँ से आया लैपटॉप, मैंने बताया कि नहीं मैंने खरीदा नहीं है इसको, ये इन्फोसिस ने दिया है। हालांकि भैया खुद ही TCS में करीब 10 साल तो हो गया, 8-9 साल भैया का, भैया तो हो गया 10-12 साल से भैया TCS में ही पकड़ के बैठे, मतलब TCS के अलावा वो कहीं गए नहीं है। तो होता है जब सीनियर्स पहुँचते हैं वहाँ, तो मेरे तो घर में खुद वही चीज़ है, तो मैं भी अभी आ गया हूँ उस लाइन में, और अंकल हमारे खुद रेलवे से रिटायर्ड है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं कुछ नहीं कर, कुछ नहीं कहना चाहेंगे, तुम बहुत आगे बढ़ो, ये आशीर्वाद दे। अरे ये तो आशीर्वाद रहता ही है, यही आशीर्वाद है कि आगे बढ़ो। थैंक यू अंकल। चलिए आपसे अंदर चल के बातचीत करेंगे, और अभी बस अंकल को थोड़ा लैपटॉप दिखाते हैं, अनबॉक्सिंग तो आपके सामने ही करेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ये जैसे आप इंटर करेंगे तो ये हमारा दरवाज़ा, ये पीछे का भी है, हालांकि मैं पता नहीं क्यों आपको ये पूरा कुछ दिखा रहा हूँ, दिखाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि भैया वो एक अलग दूसरे व्लॉग का कंटेंट है। तो मैं अभी इसको ले जाके रूम में रख देता हूँ, या फिर जहाँ अपन पीछे बैठ के व्लॉग शूट करते हैं वहाँ चल लेते हैं, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बातें करके
फिर इस वीडियो को विराम करेंगे, क्योंकि भैया देखो ऐसा है कि कंटेंट की थोड़ी कमी है मुझे, क्योंकि गांव में आने के बाद मतलब ऐसा है कि कंटेंट बना नहीं पा रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि इसको एक अलग सेपरेट कंटेंट, मैं ऐसे खुश हूँ तो इसको बना देता हूँ। बाकी दूसरा वीडियो जब अपन इसको अनबॉक्सिंग करेंगे आराम से, तो बताएंगे कि भैया कौन सा लैपटॉप है, कितना प्राइस का पड़ा और कितना दिन लगा आने में। और आप अगर ये चाहते हैं मतलब एज ए इन्फोसिस आना चाहते हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। एक छोटा सा वीडियो था, वैसे एक अपडेट वीडियो था, कुछ खास नहीं था इसमें, लेकिन हाँ आपको प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्द मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाऊँगा। भैया मैं बिहार में हूँ और बिहार प्यार है अपना, तो बहुत जल्द आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊँगा ज़रूर बिहार से। बस थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सा भी, क्योंकि नए जगह पर शिफ्ट होने के बाद क्या होता है कि चीज़ें बदल जाती हैं, रूटीन्स बदल जाते हैं और लोग अलग होते हैं, तो थोड़ा टाइम आपको भी लगता है एडजस्ट होने में। तो कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊँगा, ज़रूर लाऊँगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने तो सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, लाइक कर दीजिए बस, आप कमेंट भी कर दीजिए, कुछ मत बोलो, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन ही लिख दो भाई, लैपटॉप आया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी तो आप ना, मैं खोलूँगा भी नहीं, अभी मुझे बाहर जाना एक्चुअली में, तो मैं खोलूँगा आपके सामने ही, इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, क्या है इसके अंदर क्या है मेरे को भी नहीं मालूम। और वेलकम किट भी बहुत लोग पूछ रहे थे, और इन्फोसिस से रिलेटेड मतलब कुछ इन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली हम शेयर नहीं कर सकते, बट हाँ ये चीज़ है कि आपको ट्रेनिंग कैसी का मतलब क्या तैयारी क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि आप इन्फोसिस का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसमें बैठने लाइक एलिजिबल हो जाए, वो सब कुछ हम शेयर करेंगे अगली वीडियो में। कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो हमारे इन्फोसिस, आई मीन मैं अब इन्फोसिस का एम्प्लॉय हूँ, और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, उनको अधर करना, उनको आई मीन रिस्पेक्ट करना और प्रोटेक्ट करना, ये मेरा सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑब्वियसली कुछ लोग में से बहुत ऐसे सवाल कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, जो भाई मैं नहीं कह सकता ना उसका रिप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वो जैसे बताया पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो जो भी पॉसिबल होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, और आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप इन्फोसिस इन्फोसिस से कुछ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ऐसे बेसिक सा इन्फॉर्मेशन कि मतलब क्या 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 पढ़ा जाए वैसे करके, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। बस ये वीडियो इसी को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अजिताभ आनंद साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।